मुझे बताओ कि एक्सपीरियंस तुम्हारा कल्चरल एक्सपीरियंस कैसा था ढाका में, क्योंकि कराची में यू बीन लिविंग हियर सिंस ऑफ कोर्स यू वर बॉर्न एंड ब्रेड हियर, लेकिन वहाँ पर जाकर कुछ फेस्टिवल तुम्हें दिखे हों जो कि काफ़ी डिफरेंट हो यहाँ से, कुछ नई चीज़ कल्चरल शॉक जिसको कहते हैं? थोड़ा सा था, बहुत थोड़ा सा टू बिगिन विद. सी पाकिस्तान इज़ एन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, राइट? तो थिंग्स आर अकॉर्डिंगली एंड थिंग्स आर एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड अकॉर्डिंगली. बांग्लादेश इज़ मोर सेक्युलर, ठीक है. वन थिंग आई टेल यू, आई सॉ दिस बैनर अभी वहाँ पे वो हो रहे थे, इलेक्शंस हो रहे थे, देयर वाज दिस बैनर दैट सेड के लेट्स नॉट मेक बांग्लादेश लाइक पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड वन मोर प्लेस. दैट वाज लाइक व्हाई वन मोर प्लेस, यू डोंट वांट अ नेम. I don't remember. ये कौन सी मुल्क आ गया इसका नाम नहीं है? नहीं, तो लेट्स मेक इट मोर सेक्युलर, लेट्स नॉट मेक इट एन इस्लामिक रिपब्लिक, इस तरह का था. एंड अब सेक्युलर है इन द सेंस कि पीपल आर वेरी ओपन अबाउट रिलेशनशिप्स एंड यू नो इन द सेंस कि यू कुड सी दीज थिंग्स ओपनली हैपनिंग ऑन द स्ट्रीट्स व्हिच वुड बी वेरी वियर्ड happening in Pakistan. That's like okay. I mean, I've traveled, but I mean, you see people holding hands and you're getting all lovey-dovey in the open air. You see them when you're traveling and it's more acceptable. ठीक है, पार्कों में चुप-चुप के कर रहे हैं ना, लेकिन यहीं पे अगर खुले में रिक्शा में बैठ के हो रहा हो या फिर चलते फिरते अपने बॉयफ्रेंड ने जो है वो गले में हाथ डाला हुआ है, दीज थिंग्स आरंट ओपन ओपनली एक्सेप्टेड हियर. ट्रैवलिंग करते हुए आप दूसरे मुल्कों में देखते हो आपको अजीब नहीं लगता, लेकिन सिंस बांग्लादेश और पाकिस्तान बहुत सिमिलर हैं और जब आप वहाँ होते हुए देखते हो ऐसा लगता है कि यार पाकिस्तान में होते हुए देखो तो इट वॉज अ लिटिल लाइक ओके दिस इज़ वेरी डिफरेंट, इट वॉज वेरी डिफरेंट. दूसरी चीज़, देर आर डिफरेंट रिलीजन्स देयर ऑफ कोर्स. मुस्लिम्स में आई वुड से कि इतना ज़्यादा ना सेक्ट्स का कॉन्सेप्ट नहीं है, देर मोर लाइक एक छोटा सा एरिया जहाँ पे शियाज रहते हैं, बट बाकी इट्स लाइक अ वेरी सुन्नी मुस्लिम स्टेट टाइप. उसके अलावा बिसाइड्स दिस देर इज दिस इवेंट दुर्गा पूजा जो कि बहुत बड़े स्केल पे ये लोग सेलिब्रेट करते हैं एंड इट्स ब्यूटिफुल. मतलब मुझे तो बहुत इंटरेस्ट आता है दूसरों के कल्चर्स देखने में. था मुझे बताओ, तो अभी नियर माई ऑफिस ओनली लाइक हर जगह पे ना दे वुड लाइक प्रॉपर सेटअप होगा, लाइक सारे उनके बड़े बड़े स्टैचूज, ऑल ऑफ द रिलीजियस वंस, एंड देन देर वुड बी अ होल एरिया, जैसे इट्स लाइक अ कन्वेंशनल हॉल, लाइक दिस इज़ वन ऑफ द प्लेसेज, एंड देर वुड बी डांसेज हैपनिंग. वो जो औरतें उनकी सफ़ेद साड़ियाँ पहनी हैं सफ़ेद और लाल, एंड इट्स ब्यूटिफुल, इट्स वेरी ओपनली सेलिब्रेटेड. यहाँ पर भी हिंदूज बहुत रहते हैं, बट मैंने ऐसे चलते फिरते जो है इनके फेस्टिवल्स पे, हिंदूज के फेस्टिवल्स पे यहाँ पर चीज़ें होते हुए नहीं देखी. इनके अपने टेम्पल्स में होती हैं, बट I mean, they're clearly discreet enough that the general public does not come across it. वहाँ पे आपको हर दो कदम पे जो है दुर्गा पूजा के दौरान, you know, you'd see some event happening. और बड़े लेवल पर होता है. हाँ, and वहाँ से फिर निकलते हुए जैसे हम तबरुक बांटते थे, वो खाना भी बांट रहे थे, तो हमने भी खाना लिया. It was very nice. They were giving away food. अब वो आप प्रसाद कह लो या फिर आप लंगर कह दो या फिर कुछ भी कह लो. कुछ भी कह लो. न्यास कह लो. हाँ, वो कह लो. तो इट वॉज़ वेरी ब्यूटिफुली सेलिब्रेटेड और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप नहीं आ सकते या आप नहीं जा सकते. तो पूरा मेला जैसा भी लगता है कि वहाँ पे बाहर भी चीज़ें मिल रही हैं, आप शॉपिंग भी थोड़ा बहुत कर लो, बच्चों के लिए झूले वूले भी लगा देते हैं. तो अच्छा, ये एक अलग फेस्टिवल देखा. इसके अलावा और कोई फेस्टिवल वहाँ पे? रमज़ान, ईद किस तरह से डिफरेंट होती है? यार ईद पे जो है ना लंबी छुट्टियाँ, आई मीन दिस आई वुड से हम अपने आप में तो एटलीस्ट ये कहते थे कि सबसे ज़्यादा ना ईद को एक्सप्लॉइटिंग मुल्क करता है, इन द सेंस कि इतनी लंबी छुट्टियाँ, वी वर रियली हैप्पी अबाउट इट, बट 3 दिन की ईद, 3 दिन से एक दो दिन पहले भी छुट्टी दे देंगे और उसके 2-3 दिन बाद भी छुट्टी दे देंगे और उसके बाद भी काम स्टार्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि लोग नहीं आ रहे होते, क्योंकि ढाका में ना ज़्यादातर लोग अपने गाँव से और दूसरे शहरों से उठ के काम करने आ रहे होते हैं, ठीक है, तो वो वापस चले जाते हैं. तो 8-10 दिन तो ईद के कहीं नहीं गए और वो शहर बिल्कुल खाली होता है. It's been nice for me because I got to roam around in a very like हवा साफ हो जाती है एकदम से, बिल्कुल ही ट्रैफिक नहीं होता, बट बहुत लंबी छुट्टियाँ जाती हैं. लाइक ईद से 10-15 दिन पहले तक आप भूल जाओ कोई भी काम हो रहा हो, क्योंकि सब बोलेंगे ईद आने वाली है, और ईद के बाद महीने भर तक कोई काम, भाई ये काम होने दिया हुआ था या फिर हमने ये मतलब रिक्वेस्ट जा रही थी, अभी तो ईद गई है, अरे अभी तो ईद चल रही है, अभी ईद की छुट्टियों पर गए हैं, लाइक इट्स वेरी लॉन्ग दैट वे.
बांग्लादेशी जो है वो क्रिकेट से बहुत मोहब्बत करते हैं। Like they're really into the sport. कि कभी हो रहा हो तो जिम में you won't find anybody working out. Even the trainers, everyone would be sitting in front of the TV. नहीं अभी तो हम मैच देख रहे हैं, अभी तो और कुछ नहीं होगा. Even in the office, I mean it is very accepted कि भाई मैच आ रहे तो सब काम छोड़ के जो है वो टी वी रूम में जाके जो है वो पूरा जिम गट्टा बना के वो हमारे ऑफिस का टी वी रूम भरा हुआ था जब आई थिंक इट वॉज बांग्लादेश इंडिया का मैच, नहीं सॉरी बांग्लादेश पाकिस्तान का मैच, टी20 वर्ल्ड कप चल रहा था लास्ट टाइम, कोई एक और था। आई एम सॉरी, आई एम नॉट एज एजुकेटेड ऑन द टॉपिक बिकॉज़ आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द स्पोर्ट एज मच, बट वो रूम भरा हुआ, लोग खिचपिच भरे हुए कि नहीं बांग्लादेश जीतेगा, बांग्लादेश जीतेगा, पाकिस्तानी जीतेगा, बिकॉज वो तो हमारे साथ मस्ती मजाक कर रहे थे। लेकिन जब पाकिस्तान का कोई मैच होता है विद सम अदर कंट्री तो आई हैव देयर ऑल सपोर्टिव ऑफ पाकिस्तान, नहीं पाकिस्तान जीतेगा। इवन इफ पाकिस्तान इंडिया का हो रहा होता है ना तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल majority of the people are supporting Pakistan and they're watching for it. ये एक बड़ा interesting है और बड़ी फड्डे वाली बात भी है, लेकिन very interesting क्योंकि हमारा जो पूरा साउथ एशिया का रीजन है ये तो क्रिकेट से शदीद मोहब्बत करते हैं लोग। अरे they really love Pakistani cricketers also ना, तो see मैं तो पहचानने में नहीं आती हूँ पाकिस्तानी, वहाँ पे वो बांग्लादेशी लगती हूँ मैं उनको। मेरे कॉलीग है गोरा सा तो वो कहते हैं पाकिस्तानी, तो पकड़ पकड़ के ओ वी लव शाहिद अफरीदी, वी लव बाबर आजम, और वो क्रिकेट की बात करते चले जाएंगे जबकि उस बेचारे को भी कोई इंटरेस्ट नहीं होता क्रिकेट में, बट वो सुनता आउट ऑफ रिस्पेक्ट, क्योंकि ऑफ कोर्स इट्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट कमिंग टुवर्ड्स यू कि आपकी कंट्री का एक्सपोर्ट हम देखते हैं और आपके प्लेयर्स से इतनी मोहब्बत है। तो क्रिकेट जो है ना, क्रिकेट आपको तो खैर मोहब्बत नहीं है लेकिन हमारे जो फॉलोअर्स हैं और मैं खुद यार बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ क्रिकेट से, एंड व्हेन इट कम्स टू बांग्लादेशी क्रिकेट टीम देन शाकिबुल हसन इज़ माय फेवरेट, वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर इन द वर्ल्ड। यू डोंट नो व्हाट्स द मीनिंग ऑफ ऑलराउंडर, प्रॉब्ली ऑलराउंडर वो होता है जिसको बॉलिंग भी अच्छी करानी आती है, बैटिंग भी अच्छी करता है, फील्डर भी बहुत अच्छा है। बैटिंग तो पता है ना क्या होती है। सो हाँ आई एम जस्ट नॉट इंटरेस्टेड इन दिस स्पोर्ट, आई एम नॉट लाइक, मैं थोड़ा बहुत पता है I know what it means. So, हाँ यार फिर सीन है, ये एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है और पाकिस्तान इंडिया का भी यही है, लेकिन हम लोगों का थोड़ा सा टाकरा चल रहा होता है। बट वेन इट कम्स टू बांग्लादेश तो मैंने भी नोटिस किया कि बांग्लादेश का अगर किसी और मुल्क के साथ मैच है तो सारे पाकिस्तानी बांग्लादेश को सपोर्ट करते हैं। ये इसके पीछे क्या साइंस है? प्रॉब्ली पीछे पहले हम लोग साथ थे इस वजह से,